Hello, you beautiful people. So before starting up with the video, I wanted to tell you guys a very fun fact that I had realized कुछ ही देर पहले. That is, मैंने जो apology video डाला था उसके बाद मैंने last Sunday का जो मैंने vlog डाला है और अभी जो video आप लोग देखने वाले हो, all of them are shot with the same घर का कपड़ा on, which doesn't give you the liberty to think कि you know मैंने सारे video same day पे shoot किया हुआ है, because that is not the case. It's just that is my regular घर का कपड़ा है यार. And घर पे कौन कौन पहनता है यार हर रोज नया नया कपड़ा, at least मैं तो नहीं पहनती हूँ, which in turn doesn't give you the liberty to think कि you know मैं घर में नहाती नहीं और मैं सेम कपड़ा हर रोज पहनी रहती हूँ. That is not the case. It's just a coincidence कि मैं जब भी shoot करती हूँ मैं तब भी वही वाला t-shirt पहनी रहती हूँ. एंड इन फैक्ट फन फैक्ट कोइंसिडेंस व्हाट एवर यू माइट से, मैं अभी जो वीडियो शूट कर रही हूँ उसके पहले ही मैंने सेम टी शर्ट पहना हुआ था. मैंने सोचा कि यार शूट जब कर ही रही हूँ तो घर मतलब चेंज होके मतलब थोड़ा रेडी होके बैठी हूँ, इसीलिए. सो इग्नोर ऑल ऑफ द शिट एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर वीडियो. सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. So today is yet another vlog, but then trust me, this is going to be very entertaining and a very informative and a very fun vlog kind of. Let me tell you why, because it's very rare when we, like maybe brothers and sisters, go out for an outing or something of that sort. My brother though doesn't stays here only, he stays in Roorkee, he studies in IIT Roorkee, he stays there. And like my elder brother, I'm talking about my elder brother. तो जब कभी भी वो आता है, वी स्टिल गो आउट. येस, वी हैव वेंट आउट फॉर मूवीज एंड यू नो छोटा मोटा आउटिंग्स हो जाता है, लेकिन बहुत बहुत रेयर होता है कि मेरी बड़ी बहन, मेरा जो पटर्नल कजिन है, आई कॉल हर दीप भाई स्टेज हियर, शी स्टेज इन जादवपुर. सिंस शी डजंट स्टेज क्लोज टू अस, शी लिव्स फार अवे, लाइक जादवपुर इज क्वाइट फार फ्रॉम आवर हाउस. तो वॉट एवर इट इज, तो शी डजेंट यूजली जॉइन अस, ठीक है. तो मतलब आज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आई वुड रादर से फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई और मेरे बड़ी बहन, हम लोग चारों एक साथ पूरा दिन के लिए, वी आर गोइंग फॉर एन आउटिंग एंड आई एम गोइंग टू शूट द एंटायर डे फॉर यू गाइज. एंड आई विल ट्राई टू एंटरटेन एज मच एज पॉसिबल. पहले बात मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ, मेरे सारे भाई बहन, एवरीबडी इज़ वेरी कैमरा शाई एंड दे डोंट रियली वॉन्ट टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो अगर मेरा पिछला वाला कॉलेज स्ट्रीट वाला व्लॉग अभी तक आ चुका होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा, और अभी तक नहीं आया तो ये वाला इन्फॉर्मेशन रख लीजिए अपने पास. तो जो भी है, तो अभी देखते हैं कैसा जाता है एंड स्टे ट्यून्ड. एंड इफ यू आर न्यू हियर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज हिट दैट बेल आइकन एंड हेल्प मी ग्रो प्लीज. And go and follow my Insta page and my Facebook page to stay tuned for all the updates that are going to be coming soon. All the links will be given in the description box. Please go and check them out. तो ये है मेरी बड़ी बहन, शट अप ना. तो ये मेरी बड़ी बहन दीप भाई, जिसके बारे में सुबह बता रही थी आप लोग को. तो ये है मेरा बड़ा भाई, अरे ताकाओ ना, सबाई चले हनुमान देखे चो आबार आउट ऑफ फोकस हो गेले सामने दरी
लगन। मेरे भाई लोग उधर टिकट खरीद रहे हैं, ये है टिकट काउंटर, अगर आप आएंगे तो इधर से टिकट खरीद लेना पहले। नीले पहले मेरे को ये फेंकना है, डस्टबिन था नहीं बाहर से इधर फेंकना पड़ेगा। तो ये है कोलकाता का सबसे अनोखा, द बिगेस्ट हेरिटेज ऑफ कोलकाता, विक्टोरिया मेमोरियल, जहाँ आज हम लोग आए हुए हैं। सच अ ब्यूटी मैन। आ चुके विक्टोरिया मेमोरियल, मतलब आ बहुत पहले चुके थे, आपको बताए थे। तो ओके, माय लिप्स आर ऑरेंज एंड माय टंग इज ऑरेंज बिकॉज ऑरेंज आइसक्रीम, यू नो। तो ये है विक्टोरिया मेमोरियल, अभी मैं आप लोग को लेके जाऊंगी इंटीरियर्स पे। एवरीबडी नोज विक्टोरिया इज द बेस्ट प्लेस टू हैव रोमांस, एंड सिंस इज वैलेंटाइंस वीक कमिंग अप, देर आर लॉट ऑफ सीन्स गोइंग ऑन अराउंड। If you guys are single and if you want to see such scenes, I am there to show you. It's a very beautiful place. यहाँ पे most probably photo session चल रहा है, जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है। तो वो ignore करके आप ये beauty देखिए, beauty. गाइस, तो इतना ज़्यादा पीडिया कपल देखने को इतना मिला नहीं, मैंने थोड़ा बहुत मिला, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसा था कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई ठीक से, ठीक है ना। तो हाँ, बहुत क्यूट क्यूट कपल्स दिखे, लेकिन आई जस्ट कुडंट डिस्टर्ब देम, मतलब थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। एक तो जब आप व्लॉग कर रहे हो, सब ऐसे घूरेगा आपको, पता नहीं क्या कर रहे हो, पता नहीं ऐसा लगता है मतलब कुछ हो, आप ऐसे सब आपको देखेंगे, ऐसे वियर्ड सा लुक देंगे ना कि आप ठीक से व्लॉग भी नहीं बना पाओगे। ऊपर से रिकॉर्ड करना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं नहीं कर पाई, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आई नो कुछ सिंगल्स मेरे जैसा है, थोड़ा बकवास लड़की काइंड ऑफ, जो ये सब देखना पसंद करते हैं क्योंकि मज़ा भी आता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, राइट। तो चलो, अभी मैं चल रही हूँ, मेरा भाई बहन मेरे से आगे निकल गया क्योंकि यार लाइक फेड अप ऑफ मी व्लॉगिंग, ठीक है। जो लोग व्लॉग करते उन्हें पता है कितना टफ होता है कॉन्टेंट निकालना ठीक से, सही से। तो आई एम जस्ट ट्राइंग, आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू डू थिंग्स। तो मैं कर रही हूँ, अभी पता नहीं क्या, मतलब एडिटिंग वगैरह करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, मेरे को सच्ची में नहीं पता। तो चल, मैं थक चुकी हूँ, बाद में फिर से बात करती हूँ आप लोगों से। आप फोटोग्राफर, सनसेट फोटोग्राफी, घंटा आसचे, सराउंडिंग ऑरेंज आसचे, बेटरटा व्हाइटी आसचे, घंटा इसचे, सब फोटोग्राफर फाटोग्राफर। ता देखिए, सो यू ना, सॉरी, सो यू सनसेट नहीं आएगा अच्छे से, मेरे को पता है नहीं आता है, कम दामी कैमरा यूज करती हूँ।
कैसे आएगा? ২২ পিস চিকেনের আর মাটনের পিস খাওয়ার পরে বলছে রোল খেতে হবে। আমারও পাবে না, মারবো। নাচ একটু নাচ। দিস ইজ দ্য ব্যাক সাইড অফ দ্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। ইটস এ হিউজ হিউজ প্লেস। ইফ ইউ অল হ্যাভেন ভিজিটেড ইট, প্লিজ ডু ভিজিট ওয়ান্স। If you all ever come to Kolkata, or if you are in Kolkata and you have not visited yet, you all should come here. You can hear the whistle sound. It's because 5 baj chuka hai aur garden khali karna hai 5 baje ke pehle, matlab 5 baje ke baad. Sorry, you guys know my Hindi sucks, it's okay. हम लोग का हो गया विक्टोरिया मेमोरियल घूमना। मैं पहली बार आई थी विक्टोरिया मेमोरियल। जस्ट बाय द वे, यस, आई हैव बीन स्टेइंग इन कोलकाता फॉर 18 लॉन्ग इयर्स एंड मैं पहली बार विक्टोरिया मेमोरियल घूमना आई थी। इट वाज एन अमेजिंग डे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल से। मैंने अपना गाड़ी को कॉल कर दिया है, वो आ रहा है। तो वैसे एक बहुत बुरा चीज़ हुआ हम लोग के साथ, दैट इज़ टिकट में लिखा हुआ है कि सैटरडे संडे 8 PM तक खुला हुआ है, बट देन ये नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी। COVID-19 के लिए अभी बंद हो गया, अभी सिर्फ 5 PM तक ही खुला रहेगा। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग गैलरी के अंदर नहीं घुस पाए। सो आई वॉज वेरी सैड, वी ऑल वर वेरी सैड, क्योंकि हम लोग का 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किया गया था इसके लिए, लेकिन हम लोग का 30 रुपये वेस्ट। ठीक है, बुझे चीज। तो हम लोग फिर कंप्लेन भी किए कि टिकट में लिखा हुआ है आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं नॉल। तो ठीक है, सबको पता है कोलकाता का थोड़ा मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है सब जगह पे, तो हम लोग नहीं घूम पाए अंदर। 30 रुपये एक्स्ट्रा लिया लेकिन फिर भी नहीं घूम पाए हम लोग। तभी चलते हैं घर, पता नहीं घर जाते हैं कि कहाँ जाते हैं, देखते हैं। स्टे ट्यून्ड गाइस, सी हाउ प्रिटी इट लुक्स आफ्टर द लाइट्स आर स्विच्ड ऑन। इतना सुंदर लगता है ये, देखिए आप लोग। वाओ, काफी ज्यादा टायर्ड हो चुके हम लोग। तो अभी सोचे कि पूरा दिन इतना घूमे, इतना पैदल चले सब जगह, ये वो किए, तो वी आर वेरी एक्सॉस्टेड, एग्जॉस्टेड। तो अभी आए हैं, थोड़ा सोचे कि चलो CC1 में बैठ जाते हैं। तो CC1 में भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो मन नहीं किया बैठने का। तो CC1 के बगल में मेरे दोस्त लोग को पता होगा, इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग दिस, यू गाइज नो वे आई। तो CC1 के बगल में एक पार्क है, वहीं पर हम लोग बैठे हुए थोड़ा गप्पे मार रहे। तो अभी कुछ देर में घर वापस जाएंगे। सब लोग बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं, अभी कुछ देर में लोग घर वापस जाने वाले। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ आवर व्लॉग। तो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं हमारा व्लॉग आज का। अभी हम लोग सब बहुत ज़्यादा टायर्ड है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरा भैया, मेरा बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, सब ऐसा हालत में हम लोग। तो अभी थोड़ा बहुत फिल्म विल्म देखेंगे, कुछ करेंगे, फिर दैट्स इट। वी आर वेरी टायर्ड फॉर द डे। ओके, सो
if you haven't yet subscribed to my channel, sorry. So if you haven't yet subscribed to my channel, go press the bell icon. Go subscribe and press the bell icon right now. और ये vlog करने हम लोग को बहुत मजा आया था. And if you guys liked watching it, do not forget to give this video a thumbs up. Share it with your friends. Comment down below which part you like the most. And keep supporting me. Keep loving me. Thank you.